पूरी दुनिया को कोरोना जैसे महामारी के बीच डालने के बाद भी चीन अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। क्या अब चीन भारत से युद्ध चाहता है? पूरी खबर क्या है यह जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो बात ऐसी है कि पिछले दिनों लद्दाख और उत्तरी सिक्किम में भारत और चीन के सैनिकों के आमने सामने के बाद सीमा पर तानातानी बढ़ती जा रही है। भारत चीन सीमा पर दोनों देशों की ओर से सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई है, यह जानकारी मंगलवार को उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से मिली है। दरअसल पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण सीमा मतलब LAC पर भारतीय सेना द्वारा अपनी ताकत मजबूत करने के लिए सड़क बनाए जाने के चलते ही चीन बौखलाया हुआ है। चीन इस फिराक में है कि भारत इस सड़क को न बनाए, इसलिए उसके सैनिक 5 मई को भारतीय क्षेत्र में घुस आए थे, तब भारतीय सेना ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया था। इस दौरान हाथापाई भी हुई थी। अपनी इसी साजिश के चलते चीन के हेलीकॉप्टर भारतीय क्षेत्र में घुस आए थे। चीन की इन हरकतों के बाद भारतीय सेना ने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है, इससे चीन परेशान हो उठा है। भारतीय सैनिकों द्वारा पेम्पोंग झील के उत्तर में सड़क बनाने के काम में अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहे हैं। चीन के सैनिकों ने लद्दाख के गलवा घाटी के पास अपने टेंट लगा दिए हैं। सैन्य सूत्रों के अनुसार चीन ने इम चौक कुमार और दौलत बेग ओल्डी जैसे इलाकों के पास अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई है। चीनी सैनिकों ने नदी के पास कुछ टेंट लगाकर निर्माण गतिविधियां शुरू की हैं। भारतीय सेना की उत्तरी कमान की 14 कोर ने इसके जवाब में इलाकों में सैनिकों की संख्या बढ़ाई है। 14 कोर पश्चिमी लद्दाख के सियाचिन में पाकिस्तान व पूर्वी लद्दाख में चीन के मुकाबले अपनी ताकत लगातार बढ़ा रही है, इससे चीन भी परेशान है। चीन उस अक्साई चीन इलाके से आंखें तरेरने की कोशिश कर रहा है जो उसने कब्जाया है। इस महीने के पहले हफ्ते में चीन बढ़ते कदमों को रोकने के लिए भारतीय सैनिक चीन के सैनिकों से भिड़ गए थे, इसमें दोनों ओर के कई सैनिक घायल हो गए थे। इसके कुछ दिन बाद दबाव बनाने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास आ गए चीन के हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना के फाइटरों ने खदेड़ दिया था। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि चीन ने वास्तविक नियंत्रण के करीब अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया है। इसके जवाब में भारतीय सेना भी बेहतर क्षेत्र रक्षण के लिए सड़क बना रही है। भारतीय सेना का तर्क है कि जब चीन अपने इलाके में सड़क बना सकता है तो हम अपने इलाके में सड़क क्यों नहीं बना सकते। रणनीतिक रूप से यह भी जरूरी है कि चीन लद्दाख में आगे बढ़ने की अपनी साजिश में किसी भी हालत में कामयाब ना हो पाए। भारतीय सेना के जवाब देने के बाद चीन शांत है, यह भी कहा जा रहा है कि हालात सामान्य है। वहीं वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए फिलहाल भारतीय सड़क प्रोजेक्ट को रोके जाने की सूचना है। जिस गलवा घाटी इलाके में चीन अपने सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा रहा है वह वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध में केंद्र बिंदु रहा है। चीन पूर्वी लद्दाख में अक्सर विवाद पैदा करता है, उसने वर्ष 2013 व उसके बाद 2018 में भी भारतीय इलाकों में घुसपैठ की थी, तब उसे खदेड़ दिया गया था। इस बीच पता चला है कि उत्तरी सिक्किम में भी कई इलाकों में विवादित सीमा पर निगरानी के लिए भारतीय सेना की अतिरिक्त टुकड़ियां भेजी गई हैं।